और पढ़ाई करेंगे, कैम्ब्रिज जाएंगे, ऑक्सफोर्ड जाएंगे, पीएचडी करेंगे मैथ्स में। नमस्कार बच्चों। बच्चों आज मैं आपको दोबारा से जो मैंने करा दिया है उसको मैं रिवाइज करा दूं। एक क्वेश्चन आ जाता है जब आप सीए करोगे, जब आप सीए करोगे सीए फाउंडेशन में 5 नंबर में आ जाता सर। सर जी क्या है सर, आप सीए का भी पढ़ाते हो? हाँ जी सर, सब 11th 12th बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर इनकम टैक्स कॉस्टिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सीए इंटर सीए फाइनल। तो आपको जभी तो मैं आपको इतनी गहराई से डीपली बताता हूं। चलिए एग्जाम में सर जी क्या आ जाता है, ऐसा क्या क्वेश्चन आ जाता है सर जी एग्जाम में? लिखिए बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बता देता हूं मैं आपको। लिखिए व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट। सर जी 5 बेसिक एलिमेंट होते हैं, अगर बच्चा इस चीज इनको पांचों एलिमेंट को अच्छे से समझ लेगा सर जी, ये मान के चलो आपको 10% अकाउंट आपके दिमाग में बसा दी मैंने आपको। तो सर जी पहले आज यही करा दो बेसिक एलिमेंट। हाँ जी आज यही कर लो आज। सर जी कौन कौन से बेसिक एलिमेंट? नंबर 1 असेस्ड, ये बेसिक एलिमेंट होते हैं, फिर इनको मैं समझा दूंगा, दोबारा समझा दूंगा। नंबर 2 लायबिलिटीज, नंबर 3 असेस लायबिलिटीज कैपिटल, और नंबर 4 इनकम, और नंबर 5 एक्सपेंसेस। ये इनकम है, ये इसको हम गेन भी बोलते हैं बच्चों, लाभ और खर्चे। तो मैं बच्चों आज शुरू से समझा रहा हूं आपको बिल्कुल बेसिक एलिमेंट से कि असेस क्या होती है। सर जी असेस्ड पहले मैं आपको हिंदी में बताऊंगा, फिर मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा। जो हमारी संपत्ति है मतलब जिसको हम यूज कर सकते हैं, हम बेच सकते हैं, हम किराए पे दे सकते हैं, और संपत्ति को डिस्ट्रॉयड करके खत्म करके दोबारा से बना सकते हैं सर, उसी को बोलते हैं संपत्ति। मतलब जो हमारी संपत्ति है, जो हमारी खुद की है, जिसको हम यूज कर सकते हैं, बेच सकते हैं, किराए पे दे सकते हैं, डिस्ट्रॉय करके दोबारा से निर्मित कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं बच्चों असेस्ट। असेस मतलब जिस पर मेरा कंट्रोल हो। असेस में 2 गुण होते हैं सर जी, कौन कौन से? नंबर 1 जिस पर हमारा कंट्रोल प्लस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, ये होता है असेस्ड। सर जी आपने लिखा दी है, एक बार आप तुरंत लिखा भी दो, एक बार थोड़ा शॉर्ट में लिखा दो। हाँ वो लिख लो बच्चों। असेस का मतलब है बच्चों, एन असेस्ड मींस एनी रिसोर्सेस विच इज कंट्रोल्ड बाई एंटिटी एंड फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो।
ये मतलब होता है सेस का बच्चों, मतलब कंट्रोल का मतलब होता है, कंट्रोल का मतलब होता है जिसकी लीगल ओनरशिप मेरे पास हो। मैंने बताया था कि मेरे पास एक कैलकुलेटर है, मेरे पास एक कैलकुलेटर है, उसकी लीगल ओनरशिप मेरे पास है। सदी लीगल ओनरशिप मतलब उसका बिल मेरे पास है। उस कैलकुलेटर को मैं बेच सकता हूं, मैं यूज कर सकता हूं, मैं उस कैलकुलेटर को किसी को किराए पे दे सकता हूं, उसे डेस्ट्रॉय करके पुनः से निर्माण भी कर सकता हूं। मतलब उस, क्योंकि उसकी मेरे पास लीगल ओनरशिप है। मैंने आपसे कहा था असेस्ड होने के लिए बच्चों एक असेस्ड में दो गुण होने चाहिए। सर जी कौन से दो गुण होने चाहिए? एक असेस्ड को होने के लिए कम से कम दो गुण होने चाहिए। नंबर एक, सर जी एक तो उस पर कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल प्लस फीचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जिसका लाभ मेरे को आने वाले भविष्य में मिलेगा। असेस मतलब ऐसी कोई भी चीज जिस पर आपका कंट्रोल हो, जिस पर आपका कंट्रोल हो। कंट्रोल का मतलब सर जी क्या होता है? हाँ जी लिख लो सर, सब लिख लो, बाद में मत कहना कि गुरुजी ने लिखा या नहीं। कंट्रोल का मतलब होता है यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग, मतलब जिसका आपके पास बिल है ना, आप उसका कुछ भी कर सकते हो सर जी। मतलब यू कैन डू एनीथिंग, कंट्रोल का मतलब होता है यू कैन डू एनीथिंग विद दिस, विद दिस। मेरे पास रिमोट है, मेरे पास एसी का बिल है, रिमोट है, मैं एसी को उठा करके किसी को बेच दूं, नहीं चल रहा तो मैं उसको एसी को किसी को दूसरे को किराए पर दे दूं, क्योंकि क्योंकि उसका रिमोट कंट्रोल मेरे पास है एसी का, तो मैं इसका कौन हूं? सर जी मैं इसका लीगल ओनर हूं। लीगल ओनर का मतलब है जिसका कंट्रोल मेरे पास हो, वो मेरी असेस्ट है। तो मैंने आपको लिखाया यू कैन डू एनीथिंग विद दिस बिकॉज यू आर ओनर, बिकॉज बिकॉज यू आर ओनर। ओनर मतलब प्रोप्राइटर, ये सब मैंने बता दिया क्योंकि आप उसके मालिक हो, बिकॉज यू आर ओनर। चलिए समझ में आ गए बच्चों, आप उतार लीजिए, आप उतार लो। असेस का मतलब अगर आपसे कोई भी पूछे वन वर्ड में, अगर आपसे कोई असेस का मतलब पूछे तो बताओगे आप कंट्रोल प्लस एफईवी, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जिसका आपको भविष्य में लाभ मिलने वाला हो, मतलब जो पुनः बेचने के लिए ना रखी हो वो मेरी क्या है? संपत्ति है। मैंने आज माल बेच दिया और उसका पैसा मुझे 3 महीने बाद 4 महीने के बाद मिलेगा, कब मिलेगा? फ्यूचर में। तो फ्यूचर इकोनॉमिक, जिसका मुझे फ्यूचर में भविष्य में लाभ मिलने वाला हो। चलिए लायबिलिटीज, लायबिलिटी का मतलब अब तो हिंदी में बोलते हैं दायित्व। मैंने अभी आपको ये असेस समझाई थी कि असेस क्या होती है। एन असेस मीन्स एनी रिसोर्सेज विच इज कंट्रोल्ड बाई एंटिटी, एंटिटी का मतलब होता है संस्थान, दुकान, बिजनेस, कंपनी, फार्म, एस्टेब्लिशमेंट, एंटिटी बोलते हैं। एंड फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो। अगला पॉइंट मैंने बताया आपको लायबिलिटी क्या होती है बच्चों। लायबिलिटी का मतलब होता है लायबिलिटी इज ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ एंटिटी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी, उसको बोलते हैं हम लायबिलिटी। ये हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है बच्चों। क्या होती है बच्चों? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है,
जिसका हमें पेमेंट करना है भविष्य में। मैंने उधार माल खरीद लिया तो उसका मैं पेमेंट करूंगा। कह रहा है विच इज टू बी सेटल्ड बाई आउटफ्लो, मतलब पैसा जाएगा। आउटफ्लो का मतलब पैसा जाएगा, कैसे सेटल्ड होगा? विच इज सेटल्ड बाई आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस और आउटफ्लो ऑफ एनी असेट। अब मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा हिंदी में, क्योंकि आपको इंग्लिश तो समझ में आएगी नहीं, क्योंकि ये लाइब्रेरी की डेफिनेशन मेरे शब्दों में लिखी हुई है। अगर आप बुक पढ़ोगे तो बुक में कुछ और दे रखा है। अब सर जी मैं आपको बताता हूं कि होता क्या है। क्या होता है लाइब्रेरी का मतलब ये नहीं है कि मैं कैश में ही पेमेंट करूं। लाइब्रेरी का मतलब होता है कि मैं कैश में दे करके, मैंने बताया ना, और एनी असेस्ट, आउटफ्लो ऑफ एनी असेस्ट। जैसे मैंने 10 लाख रुपए का माल रामलाल से खरीदा, मैं खरीद रहा हूं, मतलब मेरा बिजनेस खरीद रहा है। अब मैं को आप मेरे साथ बिजनेस की तरह समझो आप, कि मैंने 10 लाख रुपए का माल रामलाल से उधार खरीदा। अब मेरे पास दो परिस्थिति होती है, या तो मैं रामलाल को 2 महीने के बाद, जितने का उसने मुझे उधार दिया, या तो मैं रामलाल को 2 महीने के बाद पेमेंट कर दूं, कैश में दे दूं। अगर मेरे पास कैश नहीं है, माल कितना खरीदा 10 लाख रुपए का, मेरे पास कैश नहीं 10 लाख रुपए, मैंने कहा भाई 6 लाख रुपए तू मेरे से कैश में ले ले और 4 लाख रुपए मेरे से, मेरे पास एक गाड़ी पड़ी है वो ले ले। अगर उसको जरूरत है रामलाल को गाड़ी की, अगर वो मान जाता है मेरी बात को, तो गाड़ी जो मैं दे रहा हूं उसे, वो क्या होगा? मेरा आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो इन कैश में भी हो सकता है, आउटफ्लो मेरा काइंड में भी हो सकता है। काइंड मतलब गाड़ी, मैंने गाड़ी दे दी, कार दे दी 4 लाख रुपए की, तो मेरा पूरा सेटलमेंट हो गया। सेटलमेंट का मतलब भुगतान होना। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशंस जिम्मेदारी, चिंता, लाइब्रेरी को बोलते चिंता हो गई, मुझे पैसा देना है, ये मेरी क्या है? चिंता है बच्चों। तो बच्चों से ध्यान से देखो मेरे बच्चों पूरी चीज को। तो आउटफ्लो या तो कैश का होगा या आउटफ्लो किसी भी दूसरी चीज का होगा, मे बी इन कैश और मे बी इन काइंड। काइंड मीन्स कैश के अलावा किसी भी दूसरे तरीके में हो सकता है, कैश के अलावा किसी भी दूसरे तरीके से हो सकता है। अब मैं आपको अगला पॉइंट समझाऊंगा, कैपिटल। हालांकि ये सब बातें बच्चों मैंने बता दी हैं, ये सब मैंने बता चुका हूं आपको ऑलरेडी। कैपिटल द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन ए बिजनेस एंटरप्राइजेज एंटिटी, मतलब बिजनेस में खुद का लगाया हुआ पैसा, बिजनेस में खुद का लगाया हुआ पैसा, उसे बोलते हैं कैपिटल। बच्चों बिजनेस में, धंधे में खुद का लगाया हुआ पैसा, उसी को बोलते हैं कैपिटल। कह रहा है द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन ए बिजनेस एंटरप्राइज या एंटिटी। या मैंने कैपिटल की एक नई डेफिनेशन बनाई है। कैपिटल का को हम इक्विटी भी बोलते हैं। जब आप सीए फाउंडेशन में पहुंचोगे, जब आप सीए इंटर में पहुंचोगे, तो आप कैपिटल को कैपिटल मत बोलना। सर जी उसे क्या बोलना? उसे इक्विटी बोलना। क्या बोलना वो बच्चों से? इक्विटी। इक्विटी इज ए रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द कंपनी, नो ऑब्लिगेशन। सर जी नो ऑब्लिगेशन का मतलब, हाँ जी समझ लो, कहता है लायबिलिटी होल्डर कैन क्लेम ऑन द कंपनी। लायबिलिटी होल्डर कंपनी में क्लेम कर सकता है, दावा कर सकता है। अभी समझाता हूं 2 मिनट में कि लायबिलिटी होल्डर मतलब, जैसे सही समझा दो पहले, आपने बैंक से लोन लिया और पैसा कहां लगाया? बिजनेस में, तो वो आपकी कैपिटल नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगा? लोन कहलाएगा, वो आपकी लायबिलिटी कहलाएगी। बात समझ में आ रही है बच्चों? आपने बिजनेस में खुद का पैसा तो लगाया ही लगाया, लेकिन कुछ पैसा बैंक से लोन लेकर के भी लगाया, तो जो पैसा बैंक से लोन लेकर लगाया सजी, वो कैपिटल नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी? वो लायबिलिटी कहलाएगी। तो मैंने लिखाया है बच्चों कि लायबिलिटी होल्डर कैन क्लेम ऑन द कंपनी,
बैंक से लोन लिया तो बैंक वाले कंपनी में क्या सकते हैं, दावा कर सकते हैं। बट कैपिटल होल्डर मतलब प्रोप्राइटर ओनर कैन नॉट बी क्लेम ऑन द कंपनी, कंपनी पर दावा नहीं कर सकते। मैं किस पर दावा करूंगा, मैं तो खुद ही मालिक हूं। आज मेरी कंपनी डूब जाए या एक्सपर्ट डूब जाए, बर्बाद हो जाए, भूकंप आ जाए, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब बिल्डिंग सब ढह जाएगी, मैं किससे पैसा मांगूंगा। तो वो ही मैंने लिखा है कि कैपिटल होल्डर प्रोपराइटर राजीव जैन कैन नॉट क्लेम ऑन द कंपनी, कंपनी पर एक्सपर्ट पर दावा नहीं कर सकता क्योंकि एक्सपर्ट तो मेरी ही बनाई हुई है। बट एक्सपर्ट अलग है, राजीव जैन अलग है बिजनेस की दृष्टि। चलिए आगे और देखिए बच्चों, कैपिटल इज नॉट ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब जिम्मेदारी है। कैपिटल इज नॉट ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन। किसी लायबिलिटी का पेमेंट करने की जिम्मेदारी एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर की है, मतलब राजीव जैन की है। अगर मैं बैंक से लोन लेता हूं तो उसको बच्चों पेमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है, मेरी है। तो बैंक से जो लोन लिया है वो क्या कहलाएगा, लायबिलिटी कहलाएगी। मैं बच्चों एक चीज में भूल गया, मैं अभी समझाता हूं बेटा आपको, दो मिनट के बाद एक चीज और समझ लो। आप कभी भी ये मत सोचना कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ जो हमने पैसा लगाया है केवल वही आता है। पैसा लगाने के अलावा बिजनेस ने जो पैसा हमें कमा के दिया वो भी आता है। मतलब समझ में नहीं आया, मतलब जो पैसा मैंने लगाया सिर्फ वही कैपिटल नहीं है, 12 महीने के अंदर जो मैंने पैसा कमाया वो भी कैपिटल का ही पार्ट है। मतलब सर जी, हाँ जी, नोट कर लो बच्चे, मेरे बच्चे नोट कर ले। तो इक्विटी मतलब जो मैंने पैसा लगाया वो प्लस प्रॉफिट। इसको क्या क्या बोलते हैं सर जी, जैसे बच्चों आपका नाम घर पे मम्मी चिंटू बोलती है, स्कूल में नाम कुछ लीगल होता है जिसको सर जी बोलते हैं स्कूल में, लेकिन बच्चे आपका नाम कुछ और निकाल देते हैं, और आपकी गर्लफ्रेंड जो होती है वो आपको बेबी जो सोना जानू, ऐसे ही कैपिटल के भी नाम होते हैं सर जी, इसके भी नाम होते हैं। हाँ जी, कैपिटल का नाम मैंने बताया था इक्विटी, इसका और भी नाम होता है कैपिटल का, इसका नाम और भी होते हैं नेटवर्थ, और भी होते हैं ओनर्स इक्विटी होते हैं, ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, और कुछ नेट असेट्स भी बोलते हैं, ये इसके नाम होते हैं, नेट असेट्स भी बोलते हैं। आप उतार लो बच्चों सब, आप सब उतार लो, सब चीज उतार लो बेटा, कुछ मत छोड़ो कुछ भी। पर अगर पैसा मैंने लोन लेकर लगाया बिजनेस में, मतलब मैंने खुद का पैसा तो लगाया, लोन लेकर लगाया, तो मेरा ये कैपिटल नहीं है, तो मेरा ये क्या कहलाएगा, लोन मतलब लायबिलिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों, ये लायबिलिटी कहलाएगी। अब मैं आपको एक नई चीज समझाने जा रहा हूं बच्चों, जो मेरी छूट गई थी पिछले कॉन्सेप्ट में, जरा वो भी सुन लो बच्चों। मैं लायबिलिटी में कुछ बताना भूल गया था यहां पर, तो वो कॉन्सेप्ट में आप यहीं लिख लेना, लायबिलिटी में लिख लेना, यहां जगह नहीं है बच्चों। अब मैं यहां पर एक स्टार बना देता हूं, और स्टार आप यहां उतार लेना, लिख लो, मैं यहां पर स्टार यहां पर उतार देता हूं। मतलब मैं लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान रखना बच्चों, मैं क्या समझा रहा हूं, लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। इफ आउटफ्लो इज सर्टेन, अगर आपका आउटफ्लो क्या है, सर्टेन है, निश्चित है, तो ये क्या होगी, तो क्या हो गया, ये लायबिलिटी हो गई।
क्या हो गई है? लैबिटी। श्योर है, सच है मतलब निश्चित, श्योर पेमेंट करनी करनी है। जैसे मैंने आपको बताया था, आप सीए फाउंडेशन में आओगे, सीए फाउंडेशन में फीस जो है 9000 रुपए है, 1800 रुपए एग्जामिनेशन फीस है, तो 10800 हो गई, 1800 हो गए, तो वो लाइब्रेरी आपको पेमेंट करनी करनी पड़ेगी, वो आपको सीए स्टूडेंट को देना ही पड़ेगा। जब भी आप सीए फाउंडेशन में आप एडमिशन ले पाओगे तो दिस इज द लाइब्रेरी, क्योंकि आपको उसका भुगतान करना है, आपका आउटफ्लो होना ही होना है। एक होता है इफ आउटफ्लो इज, इफ आउटफ्लो कैन बी एस्टिमेटेड, इफ आउटफ्लो कैन बी एस्टिमेटेड तो क्या बनेगा बच्चों? प्रोविजन बनेगा। मैंने बता रखा था आपको क्या बनेगा बच्चों? प्रोविजन बनेगा। इफ आउटफ्लो कैन बी एस्टिमेटेड, अनुमान लगा रखा है कि यार मैं ट्यूशन पढ़ूंगा, तो मैंने पापा से कहा कि, पापा ने पूछा कितने रुपए का, कि 15000 रुपए की ट्यूशन लगेगी, तो पापा ने कहा अगर अच्छी ट्यूशन लगवानी होगी तो हो सकता है वो 25 की मिल जाए या 20 की मिल जाए। तो जो 20000 रुपए का अभी हमने पेमेंट नहीं किया, हम पूर्वानुमान लगा रहे हैं, प्रोविजन बना रहे हैं। लायबिलिटी मतलब प्रोविजन भी एक तरह की लायबिलिटी होती है, क्योंकि अगर ट्यूशन लगाओगे तो पेमेंट करना पड़ेगा। अगर ट्यूशन नहीं लगाओगे तो पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सीए स्टूडेंट को आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। आप बहुत इंटेलिजेंट हो कि पापा मैं बगैर ट्यूशन के पढ़ लूंगा, कोई नहीं, तो इसका मतलब फिर आपको पेमेंट नहीं करना। तो लायबिलिटी का मतलब होता है जिसका आपको पेमेंट श्योर है, 100% करना है। 10800 रुपए का सीए इंस्टीट्यूट को पेमेंट करना ही पड़ना, करना ही करना है, तो ये लायबिलिटी श्योर है, निश्चित है। और एक लायबिलिटी होती है इफ आउटफ्लो कैन नॉट कैन बी एस्टिमेटेड, मतलब कहने का मतलब ये हुआ जहां आप अमाउंट के लिए श्योर नहीं है, जहां आप अमाउंट के लिए श्योर नहीं है, जैसे ट्यूशन 15 की भी मिल सकती है, 20 की मिल सकती है, मैं नहीं लगा रहा, ये मेरे ऊपर है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं नहीं पढ़ रहा बच्चों, तो किसके लिए क्या बनता है? प्रोविजन बनता है। एक लाइब्रेरी और होती है, इफ आउटफ्लो कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, इफ आउटफ्लो कैन नॉट बी वी एस्टिमेटेड आर कॉल्ड कंटिंजेंट लायबिलिटीज। समझ में आ रही बच्चों? कितनी चीजें निकल के आ गई आज, लायबिलिटी के कितने पार्ट बता दिए हैं आप। ये बात आपको सीए करने के बाद ही पता नहीं लगेंगी, जो आपको ग्यारहवीं पता लग रही है। बताइए आप, अब तक लाइब्रेरी मास्टर पढ़ोगे ग्यारहवीं में? लाइब्रेरी का मतलब जिसका हमें पेमेंट करना है, बस आपको मास्टर यही बताएगा, जिसका हमें भुगतान करना है, फ्यूचर ओब्लिगेशन भविष्य में भुगतान करना है, बस ये ग्यारहवीं का मास्टर बताएगा तेरे को, जाकर जब तू स्कूल में पढ़ेगा। और मैं तेरे को लाइब्रेरी की पूरी पूरी जमीन से खोद दिया, ये फर्क है मेरे में और मास्टर में। समझ में आ गया? मतलब कंटिजेंट लाइब्रेरी का मतलब होता है, बहुत ध्यान सुनिए, कंटिजेंट लाइब्रेरी का मतलब होता है, कंटिजेंट लाइब्रेरी को हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते, इसको रिकॉर्ड नहीं करते, इसको कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, लिख लो, कंटिजेंट लाइब्रेरी को लाइब्रेरीज को हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते, हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। समझ में आ गए बच्चों? हां सर, आज आया समझ में। तो लाइब्रेरी कितने प्रकार की हो गई? लाइब्रेरी गई, मैं टाइप बता दिए, इफ आउटफ्लो इज सर्टेन, निश्चित है, सीए स्टूडेंट को पेमेंट दे नहीं देना है, दिस इज द लाइब्रेरी। जो सर्टेन ना हो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? प्रोविजन बनाते हैं।
हालांकि लायबिलिटी और प्रोविजन एक ही बात है, पेमेंट तो आपको कोचिंग सेंटर वालों को भी पेमेंट करना है, लेकिन ये तो मस्ट है, ये तो देनी पड़ेगी। आप ट्यूशन नहीं भी लगाओ, 15,000 भी हो सकता है प्रोविजन और 20 भी हो सकता है। तो प्रोविजन का मतलब होता है इफ आउटफ्लो कैन बी एस्टिमेटेड, जहां आप अमाउंट के लिए श्योर नहीं है, जहां आप अमाउंट के लिए श्योर ना हो, निश्चित ना हो, तो क्या बनेगा सर जी? प्रोविजन बनेगा। और इफ आउटफ्लो कैन नॉट बी एस्टिमेटेड आर कॉल्ड कंटीजेंट लायबिलिटी। एग्जाम में आ जाता है कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है, तो कंटीजेंट लायबिलिटी को बच्चों हम कभी भी किताबों में नहीं दिखाते, कंटीजेंट लायबिलिटी को बच्चों हम कभी भी किताबों में नहीं दिखाते। बेटा एक बात और कैपिटल में लिख लो, जब भी कोई कंपनी बंद होती है तो सबसे पहले मुझे किसे पेमेंट करना है? लायबिलिटी को, ना कि कैपिटल को। ये भी दिमाग में बात रखना हमेशा। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो बच्चे को पूरी जिंदगी परेशान करते हैं। बच्चे को यही सुन नहीं आता कि कैपिटल क्या है और लायबिलिटी क्या है। तो मैंने लिख दिया, मैंने हिंदी में नोट करा दिया मैंने आपको, कि जब भी कोई कंपनी बंद होती है, आज एक्सपर्ट बंद हो जाए, तो सबसे पहले किसे पेमेंट करना होता है? लायबिलिटीज को, जो मैंने लोन ले रखा है, ना कि कैपिटल को। क्या मैं अपने आप को पेमेंट करूंगा? क्या मैं अपने आप को पेमेंट करूंगा? क्या दिमाग लगाओ ना बच्चों, क्योंकि मैं तो मालिक हूं, मैं किसे पेमेंट करूंगा? तो सबसे पहले मुझे किसे पेमेंट करना पड़ेगा? बैंक को। चलिए चौथा पॉइंट नोट करिए बच्चों, फोर्थ पॉइंट नोट करिए। अभी आप अपना दिमाग पूरा यहां लगाइए, इनकम। इनकम मतलब रिवेन्यू, रिवेन्यू मतलब गेन। एक नोट कर लो, इसे गेन भी बोलते हैं, GAIN, लाभ। आय, इनकम को बेटा हम रिवेन्यू बोलते हैं, गेन बोलते हैं, लाभ बोलते हैं। मतलब जो अर्न की जाती है, जो कमाई जाती है, जो बिजनेस में कमाई जाती है, अर्न की जाती है। मैंने अंग्रेजी में लिखा है, पहले बात को समझ लो, जब ही ये डेफिनेशन समझ में आएगी, वरना पूरी जिंदगी आपको इनकम की डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी। इनकम मतलब मैंने, मेरी दुकान है स्टेशनरी की, मैं, मेरी प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस है, मेरी प्रिंटिंग प्रेस है, मैंने बुक बेची 10 लाख रुपए की। क्या बेची? 10 लाख रुपए की। तो मेरे पास क्या आएगा? कैश आएगा। कैश आएगा, मेरी संपत्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मेरी संपत्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मेरी कैश आएगा, मेरा कैश आएगा, मैं बुक बेच रहा हूं, तो मेरी असेस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कैश क्या है? असेस्ट है। सपोज मैंने कैश में नहीं बेचा, मैंने 10 लाख रुपए का माल उधार में बेचा, उधारी पर बेचा, इसका पेमेंट मुझे 4 महीने बाद मिलेगा। जो पेमेंट मुझे 4 महीने बाद मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा, भविष्य में मिलेगा, इसका मतलब है डेटर्स हो गए मेरे, मेरे बिजनेस के क्या हो गए? डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स वह व्यक्ति होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना है। तो डेटर्स क्या हो गए? इसका मतलब मुझे पैसा लेना है, कब लेना है? फ्यूचर में लेना है। तो मेरे क्या हो गए सर जी? डेटर्स बढ़ गए। डेटर्स मेरे क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ये कैश और असेस मेरी क्या है सर जी? मेरी डेटर्स है। कैश और असेस मेरी क्या है बच्चों? ये डेटर्स है, मतलब फ्यूचर में पैसा मिलेगा, फ्यूचर में पैसा मिलेगा। मेरी संपत्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और बढ़ेगी, देखो मैंने कॉन्सर्ट लिखा है, मैंने कॉन्सर्ट लिखा है। इनकम मींस एनी थिंग्स विच इंक्रीज द असेस्ट, जिससे मेरी असेस बढ़ जाती हो। मैंने माल बेचा, पैसा आएगा, क्या हो जाएगा? कैश बढ़ जाएगा, संपत्ति बढ़ जाएगी, मेरी असेस क्या हो जाती हो? इनकम मींस एनी थिंग विच इंक्रीज द असेस, जिससे मेरी असेस बढ़ जाती हो, और विच रिड्यूस द लायबिलिटी, और लायबिलिटी मेरी क्या हो जाती हो? कम हो जाती हो। सर जी लायबिलिटी कम हो जाती हो मतलब सर जी? ये समझ में नहीं आया, ये तो बहुत दिक्कत आ रही समझ में। अरे भाई कुछ नहीं है,
लाइब्रेरी का कम होने का मतलब है ऐसी कोई भी चीज जिससे लाइब्रेरी कम हो जाए, जैसे मैंने कोई माल खरीदा उधारी पर और मैंने उधारी नहीं चुकाई, जैसे 10 लाख रुपए का मैंने माल खरीदा, मैंने किसी से 10 लाख रुपए का माल खरीदा और मैंने सिर्फ 9 लाख रुपए का पेमेंट किया, तो 1 लाख रुपए की मेरी क्या हो गई, मेरा क्या हो गया, मैं लाइब्रेरी मेरी कम हो गई नहीं हो गई। मैंने किसी व्यक्ति से 10 लाख रुपए का माल उधार खरीदा था और मैं सिर्फ उसको 9 लाख रुपए का पेमेंट कर रहा हूं, तो 1 लाख रुपए का क्या हो गया, मेरी लाइब्रेरी कम हो गई और विच रिड्यूस द लाइब्रेरी, और मेरी लाइब्रेरी क्या हो जाती है, कम हो जाती हो एंड इट अल्टीमेटली इंक्रीज द कैपिटल। अब ध्यान से देखिए बेटा, सर जी जैसे मैंने माल नगद बेचा, पैसा बढ़ गया, असेट बढ़ गई और लाइब्रेरी मेरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मुझे पेमेंट कितना करना था, 10 लाख, मैंने कितना किया, 9 लाख, तो क्या होगा सर, मेरी लाइब्रेरी क्या हो गई, कम हो गई। अल्टीमेटली इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, कैपिटल पे। अल्टीमेटली मेरी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मेरी इनकम नहीं हो गई। अल्टीमेटली इफेक्ट किस पर पड़ रहा है सर जी, कैपिटल पे। मैंने कितने पेमेंट किए, 9 लाख, देने कितने थे, 10 लाख, 1 लाख रुपए का कम पेमेंट किया। जब मैंने कम पेमेंट किया तो मेरे लिए क्या होगा, फायदा, मेरा फायदा होगा तो मेरी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मैंने अभी समझाया था कैपिटल में, कैपिटल सिर्फ मेरी वो कैपिटल नहीं है, कैपिटल बच्चों सिर्फ मेरी वो कैपिटल नहीं है जो मैंने बिजनेस में लगाई है, मेरी वो भी कैपिटल है जो मैंने 12 महीने के अंदर मैंने बिजनेस किया और उस बिजनेस से मैंने क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया, वो भी तो मेरी कैपिटल ही है। हां सर, ऐसे यहां पर क्या किया, 9 लाख रुपए का पेमेंट किया, लाइब्रेरी मेरी घट गई, लाइब्रेरी मेरी क्या हो गई, घट गई। और इन दोनों का फर्क क्या पड़ा, इन दोनों का फर्क क्या पड़ा, अल्टीमेटली इफेक्ट कहां पड़ेगा, मेरे कैपिटल पड़ेगा, मेरी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक साइड से लाइब्रेरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और कैपिटल मेरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, प्रॉफिट हो गया मेरा 1 लाख रुपए का। जैसे मेरी असेस बढ़ी, मेरी असेस बढ़ी, 10 लाख रुपए का मैंने माल बेचा, नगद बेचा, तो मेरी कैश बढ़ी, तो इधर मेरी कैपिटल भी तो बढ़ेगी, तो कैश बढ़ी, इधर मेरी क्या बढ़ी, मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी। अदर देन एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल को छोड़कर, अगर आपने सोचा कि जी मैंने कोई पैसा बीच में लगा दिया तो वो मेरी कैप, तो वो मेरी जो है इनकम नहीं है। अगर मैंने बिजनेस के बीच में पैसा लगा दिया, मेरी मैंने बीच में 10 लाख लगाए, शुरू में 1 अप्रैल को लगाया, मैंने 1 अप्रैल 2019 को बिजनेस स्टार्ट किया, 1 अप्रैल 2019 को मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है बच्चों, 20 लाख में लगाए। अब जाकर के 3 महीने बाद मुझे पैसे की फिजूल पड़ी, मैंने 3 लाख रुपये और लगा दिए, तो क्या ये 3 लाख रुपये और लगा दिए क्या मेरी वो इनकम हो गई, वो नहीं सर, वो मेरी इनकम नहीं है। वो ही मैंने लिखा है कि अदर देन एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल को छोड़कर आप ये मत समझ लेना कि आपने बीच में पैसा और लगा दिया, फर्दर कैपिटल लगा दी, तो सर जी वो मेरी इनकम हो गई, दिस इज नॉट इनकम। सर जी जो मैंने लिखा है ना, जो मैंने आपको समझाया उसी की मैंने अंग्रेजी कर दी है, बस मैंने इतना गुनाह कर दिया है, जो मैंने अभी आपको समझाया ना उसकी मैंने क्या कर दी, इंग्लिश कर दी। देखो, इनकम मीन्स एनीथिंग विच इंक्रीज द असेस्ट, जिससे मेरी क्या बढ़ जाती हो, असेस बढ़ जाती हो, और विच रिड्यूस द लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी क्या हो जाती हो, कम हो जाती हो, एंड इट अल्टीमेटली इंक्रीज द इक्विटी, इक्विटी मतलब कैपिटल, और अल्टीमेटली मेरी क्या बढ़ जाती है, कैपिटल बढ़ जाती है, मेरी इक्विटी बढ़ जाती है, अदर देन कंट्रीब्यूशन और एडिशनल कैपिटल। सर जी इनकम का बिल्कुल उल्टा एक्सपेंसेस है, ये आप खुद भी लिख सकते हो। अगर आपको इनकम की का मीनिंग पता है तो एक्सपेंसेस का आप अपने आप बना के लिख दोगे। सर जी पहले लिखा दो, हाँ जी पहले लिख लो, आप खुद भी लिख सकते हो, बिल्कुल उल्टा करना है, लिखो एक्सपेंसेस मींस, मेरे साथ साथ लिखो, एक्सपेंसेस मींस एनीथिंग्स
which decrease the assessed. यहां पे क्या था? इंक्रीज. अब यहां पे क्या हो जाएगा? डिक्रीज. जहां मेरी असेस क्या हो जाती हो? कम हो जाती हो. और विच रिड्यूस द नहीं आएगा यहां पर. यहां रिड्यूस नहीं आएगा, देख रहे हो? और विच रिड्यूस द और विच रिड्यूज इंक्रीज इंक्रीज द लाइबिलिटीज. लाइबिलिटीज की बच्चों स्पेलिंग नोट याद कर लो, काफी लंबी है. एंड इट अल्टीमेटली ultimately decrease the equity. ठीक है बच्चों, लिख लो. other than drawings. उतार लीजिए बच्चों. आप पहले उतार लो बच्चों, उसके बाद बात करते हैं आपसे. हाँ जी, ठीक है बच्चों. जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल, मैंने यहां पर माल बेचा था इसमें, और यहां पर क्या एग्जांपल लूंगा, मैंने माल परचेज किया कैश में. मैंने माल कैसे परचेज किया? कैश में. मैंने माल उधारी में परचेज किया. दो एग्जांपल हो सकते हैं. जैसे मैंने बताया था, अगर मैंने माल कैश में खरीदा तो मेरा कैश क्या होगा? जाएगा, मेरे बिजनेस से जाएगा. तो असेस मेरी क्या हो जाएगी? तो सर जी मेरी असेस मेरी क्या हो जाएगी? सर जी मेरी असेस कम हो जाएगी. उल्टा हो जाएगा बिल्कुल. और अगर मैंने माल उधार खरीदा तो क्या हो जाएगा? सर जी मेरी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि लाइबिलिटी का मतलब क्या है? मुझे पैसा, लाइबिलिटी मेरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. लाइब्रेरी मेरी क्या हो जाएगी बच्चों? बढ़ जाएगी. बिल्कुल साइन उल्टे हो जाएंगे. यहां ऊपर जा रहा है, यहां नीचे जा रहा है. यहां लाइब्रेरी क्या हो रही है? कम हो रही है. लाइब्रेरी क्या हो रही है? बढ़ रही है. देख लो. और अल्टीमेटली अल्टीमेटली इफेक्ट किस पे आएगा? कैपिटल पे. तो कैपिटल मेरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. चलिए उतार लीजिए बच्चों. लो जी, लो पूरा डायग्राम उतार लीजिए. पूरा डायग्राम उतार लो बच्चों. कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी आपको. ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर. ठीक बच्चों, एक्सपेंसेस का मैं बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दूं आपको. जैसे क्या हुआ बच्चों, मैंने माल बेचा उधारी पर,
मैंने माल बेचा उधारी पर, तो मैंने 8 लाख रुपए का माल बेचा, मुझे सिर्फ 8 लाख रुपए का माल बेचा, लेकिन मुझे मिल के तेरे 6 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए कम मिल रहे ना मेरे को, मेरा क्या हो गया, नुकसान हो गया, और नुकसान होने में मेरी क्या हो जाएगी सर, मेरी कैपिटल कम हो जाएगी, वही मैंने लिखाया है, मेरी क्या हो जाएगी अल्टीमेटली डिक्रीजा कैपिटल, डिक्रीजा इक्विटी, डिक्रीजा इक्विटी अदर देन ड्राइंग्स। अगर मेरी कैपिटल कम हो रही है तो ये नहीं है कि मैंने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया तो मेरी ड्राइंग हो रही है, तो उससे मैं ये बोली बोलूंगा कि मेरी कैपिटल कम हो गई। अगर मैंने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया तो वो खर्चा नहीं है, वो क्या है, मैंने लिख दिया अदर देन ड्राइंग्स। अगर मेरी पर्सनल यूज के कारण मेरी कैपिटल कम हो रही है तो वो मेरा खर्चा नहीं कहलाएगा, वो मेरा, बात समझो ध्यान से, यही लिखाया मैंने आपको कि यही मैंने लिखाया है। अगर मुझे मैंने 8 लाख का माल बेचा, मैंने मिले कितने 6 लाख, तो 2 लाख रुपए का मेरा क्या हो गया, नुकसान हो गया, तो मेरी कैपिटल क्या हो जाएगी सर, मेरी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मेरी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो रही है, डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन कैपिटल, देखो मैंने यहां लिखा है एंड इट अल्टीमेटली डिक्रीज द इक्विटी, डिक्रीज इक्विटी मतलब कैपिटल, मेरी कैपिटल कम हो जाएगी। मैंने आगे और भी लिखा है, देखो बच्चों मैंने हिंदी में भी लिख दिया कि एडिशनल कैपिटल को इनकम नहीं मानते, एडिशनल कैपिटल, अगर मेरी एडिशनल कैपिटल के कारण मेरी कैपिटल बढ़ गई तो उसको हम इनकम नहीं मानते, प्रॉफिट के कारण मेरी कैपिटल बढ़ रही है तो उसे क्या मानेंगे, इनकम। जैसे मैंने 10 लाख रुपए का माल उधार खरीदा, मैंने 9 लाख रुपए दिए, 1 लाख रुपए कम दिए, मेरा फायदा हो गया, तो इसे ये मेरी क्या होगी, मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी, तो ये क्या होगी, मेरी इनकम हो गई। अगर मुझे 8 लाख रुपए का मैंने माल बेचा, मिले 5 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए कम मिले, तो मेरी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मेरा नुकसान हो गया, एक्सपेंसिव हो गए मेरे खर्चे, हो गए नुकसान हो गया, एक्सपेंसिव मतलब नुकसान। देखो एक चीज नहीं निकल के आई बातों में, हम एक्सपेंसेस को लॉसेस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, लॉसेस, लिख लो, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी आएंगी जब पढ़ाते पढ़ाते आएंगी, जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा जब आपको मजा आएगा, अभी तो थोड़ी पढ़ रहे हो बच्चों, जब न्यूमेरिकल समझ आएंगे, न्यूमेरिकल जब लिखाऊंगा मैं आपको समझाऊंगा। सर जी अकाउंट में 90% न्यूमेरिकल्स है, अभी सिर्फ थोड़ी पढ़ा रहा हूं, बेसिक कहानी पढ़ा रहा हूं, आपको यही पता नहीं है खर्चे क्या होते हैं। आपने आपने किराया दिया, क्या ये खर्चा है, एक्सपेंसेस है। आपने कन्वेंस दिया, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, क्या है खर्चा है। बिजली का बिल दिया, क्या है खर्चा है। पानी का बिल दिया, खर्चा है। समझ में आ रही है, ये सब खर्चे हैं। आपको कमीशन मिला, इनकम है आपकी। लाभांश मिला, इनकम है। किराया मिला, इनकम है। बात समझ में आ रही है, हाँ सर अब आया समझ में, ठीक है बच्चों, नमस्कार। आज सब बैठ के रिवाइज करना बच्चों, गुड नाइट। आज मैंने बेसिक एलिमेंट लिखाए 5 आपको, आप थ्योरी को बार बार रिवाइज करिए, वीडियो को चलते फिरते कहीं भी बैठे हो, कहीं भी खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप फिलहाल वीडियो सुनिए शुरू की, जब तक आप शुरू की वीडियो नहीं सुनेंगे आपके समझ में कुछ नहीं आएगा, अकाउंट तो बिल्कुल नहीं आएगा सर, अकाउंट में बहुत मुश्किलात पड़ेगी आगे न्यूमेरिकल्स में, इसलिए बेसिक आप समझो, जब तक आपके दिमाग में थोड़ी समझ नहीं आएगी, आपको यही पता नहीं है कैपिटल क्या है, असेस क्या है, लाइब्रेरी क्या है, डेटर्स क्या है, क्रेडिटर्स क्या है, फिर कैसे करोगे आप बच्चों, तो इसलिए इस चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। नमस्कार, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, थ्योरी को बार बार रिवाइज करते रहिए, वीडियो देखिए, बार बार वीडियो देखिए, अगेन टू अगेन वीडियो देखिए, शुरू से देखिए, 30 आज 4th लेक्चर की वीडियो बहुत इंपोर्टेंट बताइए मैंने आज, चलिए।